आज के इस सेशन में हम कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वनस्पतियों में विद्यमान क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ऑप्शन ए जल विश्लेषण द्वारा, बी ताप विश्लेषण द्वारा, सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, डी अज्ञात प्रक्रिया द्वारा। करेक्ट आंसर है सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट नामक यौगिक का गठन होता है। आंसर है इसका कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आंसर है पानी में उपस्थित अनुपात के बिल्कुल समान। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। आंसर है CnH2n। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रेट ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है? करेक्ट आंसर है 2:1। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोहाइड्रेट श्वेत सार के अच्छे स्रोत है। ऑप्शन ए वसा, तेल, मक्खन। ऑप्शन बी मछली, अंडे, मांस व मुर्गी। ऑप्शन सी अनाज, फल, सब्जियां एवं दूध। ऑप्शन डी हरी पत्तेदार सब्जी, समुद्री भोजन व जल। करेक्ट आंसर इज सी अनाज, फल, सब्जियां एवं दूध। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए गुड़ में, ऑप्शन बी शहद में, ऑप्शन सी रोटी में, ऑप्शन डी अंडे में। करेक्ट आंसर इज डी अंडे में। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए मक्खन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज लवण। करेक्ट आंसर इज सी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए वसा से, ऑप्शन बी अंडे से, ऑप्शन सी अनाज से, ऑप्शन डी ग्लूकोज से। करेक्ट आंसर इज डी ग्लूकोज से। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख उपयोग है। ऑप्शन ए शारीरिक वृद्धि एवं विकास में योगदान, ऑप्शन बी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बोहाइड्रेट के वर्ग है। ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड्स, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट के वर्ग जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड तीनों होते हैं और इनके भी निम्न वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई क्या है? ऑप्शन ए डाइसैकेराइड, ऑप्शन बी मोनोसैकेराइड, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। करेक्ट आंसर इज बी मोनोसैकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लूकोज का सूत्र है। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 14, जो कार्बोहाइड्रेट जल विश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप विभक्त नहीं होते उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन बी मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन सी डाइसैकेराइड्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज बी मोनोसैकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एवं गैलेक्टोज निम्न में से किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए मोनोसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा भी कहलाती है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। करेक्ट आंसर इज सी ग्लूकोज। ग्लूकोज रक्त शर्करा भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मोनोसैकेराइड की दो इकाइयों के संयोग से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट के वर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड्स, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। करेक्ट आंसर इज बी डाइसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 18, डाइसैकेराइड का रूप है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड
दो मोनोसैकेराइड से बना होता है, वे हैं ऑप्शन ए ग्लूकोज एवं ग्लूकोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज एवं माल्टोज। करेक्ट आंसर इज सी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 20, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है ऑप्शन ए अंगूर में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी स्टार्च में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज बी दूध में। क्वेश्चन नंबर 21, माल्टोज को जाना जाता है ऑप्शन ए दुग्ध शर्करा के रूप में, ऑप्शन बी जवा शर्करा के रूप में, ऑप्शन सी मीठी शर्करा के रूप में, ऑप्शन डी मादक शर्करा के रूप में। करेक्ट आंसर इज बी जवा शर्करा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22, माल्टोज के एक अणु को खंडित किया जाए तो मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, वे होते हैं ऑप्शन ए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज तथा ग्लूकोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज एवं फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर इज सी ग्लूकोज तथा ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23, जिस कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में मोनोसैकेराइड के अनेक अणु पाए जाते हैं उसे कहा जाता है ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड्स, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन डी उत्तम सैकेराइड। करेक्ट आंसर इज सी पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 24, पॉलीसैकेराइड का रूप है ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लाइकोजन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है ऑप्शन ए उपयोगी कार्बोज, ऑप्शन बी पशु स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी अनावश्यक पदार्थ। करेक्ट आंसर इज बी पशु स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में अधिकांश ग्लाइकोजन संग्रहित होता है ऑप्शन ए वसीय ऊतक में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी प्लीहा में, ऑप्शन डी अग्नाशय में। करेक्ट आंसर इज बी यकृत में। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है और जब आवश्यकता होती है तब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, आहार का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी भौतिक, ऑप्शन डी यांत्रिक व रासायनिक। करेक्ट आंसर इज डी यांत्रिक व रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 28, लार में पाए जाने वाला पाचन संबंधी एंजाइम होता है ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी एमाइलेज। करेक्ट आंसर इज सी टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है ऑप्शन ए मुख में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। करेक्ट आंसर इज ए मुख में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पचे हुए कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है ऑप्शन ए मुख में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। करेक्ट आंसर इज सी छोटी आंत में, पचे हुए कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है किस हॉर्मोन्स की उपस्थिति में होता है ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनिनिल, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोलिन। करेक्ट आंसर इज ए थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 32, रक्त ग्लूकोज का नियंत्रण किस हॉर्मोन्स द्वारा होता है ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोलिन। करेक्ट आंसर इज सी इंसुलिन। रक्त ग्लूकोज का नियंत्रण इंसुलिन हॉर्मोन्स द्वारा होता है।